हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो भाई काफ़ी लंबे टाइम से वीडियो आई नहीं थी, थोड़ा सा बिजी था मैं अपने घर पे। तो आते हैं सीधा पॉइंट पे। जितने भी बंदे मतलब होटल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं इंडिया पे, तो इंडिया या फिर किसी भी कंट्री में, तो उनका भी एक ड्रीम रहता है कि भाई बाहर जाएँ और अच्छा पैसा कमाएँ अदर कंट्री में। तो इंडिया की जो नियरेस्ट कंट्री है वो है दुबई और मालदीव। तो इन दो कंट्री के बारे में सबको पता ही है, बहुत बड़ी टूरिस्ट कंट्री है और जहाँ पे टूरिज्म ज़्यादा रहेगा वहाँ पे होटल और रिजॉर्ट ऐसी चीज़ें मतलब रहने की व्यवस्था वाली चीज़ें तो रहेंगी रहेंगी। तो अगर होटल इंडस्ट्री की बात करें, अगर आपको कम पैसा दे के अच्छा खासा पे लेना है, इनकम कमानी है, तो मतलब ये दो बेस्ट कंट्री है होटल इंडस्ट्री की जॉब के लिए। उसके अलावा अगर आप जाना चाहते हो यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया, मतलब बड़ी बड़ी कंट्रियों में, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अगर वहाँ पे आप जाना चाहते हो तो मतलब 5 से 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख मिनिमम तो वहाँ पे खर्चा आता है। इतना मतलब जो है कि एजेंट आपसे पेमेंट लेता ही है। उसके अलावा सैलरी वहाँ पे अच्छी खासी मिल जाती है, लेकिन वहाँ पे सिलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल रहता है। अगर आप बात करें इन दो कंट्रियों की, तो ये मतलब काफ़ी अच्छी कंट्री है होटल इंडस्ट्री में जॉब के लिए। किचन में आते हो अगर आप कौमी लेवल पे हो, उसके अलावा सर्विस में आप स्टीवर्ड लेवल पे हो या फिर जूनियर स्टीवर्ड में, तो वहाँ पे मतलब सैलरी क्या है कि $300 से स्टार्ट हो जाती है। तो उस टाइम पे आपको जो सर्विस चार्ज है वो 600 से 700, $800, कहीं कहीं पे $1100-1200 भी सर्विस चार्ज आ जाता है। मतलब बिजनेस पे डिपेंड करता है, लेकिन अच्छा खासा वहाँ पे जो है कि सर्विस चार्ज आपको मिल जाता है। तो टोटली वहाँ पर आप 1100 से 1200 USD तक अर्न कर सकते हो, जो कि इंडिया के 80 से 90 हज़ार, 1 लाख तक पहुंच जाते हैं। अगर हम बात करें मालदीव की, तो मालदीव में मैंने काम किया, मतलब काफ़ी अच्छी कंट्री। अगर वहाँ पे अगर आप जॉब करते हो रिजॉर्ट में, तो रिजॉर्ट में क्या है कि आपको मिनिमम जो है कि पेमेंट वहाँ पे आपको $300 से स्टार्ट हो जाता है, मतलब जो सबसे कम पोस्ट होती है। और उसके अलावा बात करें वहाँ की रहना खाना क्या रहता है, अकोमोडेशन, तो वो भी वहाँ पे रिजॉर्ट में जो है कि काफ़ी टॉप क्लास रहता है। तो मैं रेस्टोरेंट की बात नहीं कर रहा मालदीव की, मैं बात कर रहा हूँ रिजॉर्ट की। अगर आप वहाँ पे किसी 5-स्टार लग्जरी रिजॉर्ट पे काम करते हो, तो वहाँ पे आपको ये सारी फैसिलिटी मिलती है। सैलरी आपको बराबर मिलेगी, 1100 से 1200 तक सैलरी बन जाती है आपकी वहाँ पे। उसके अलावा जो रूम है वो आपका टॉप क्लास रहता है, रूम में 2-3 आदमी की शेयरिंग रूम रहती है। उसके अलावा AC रूम रहता है और खाना पीना तो टॉप क्लास रहता है। खाने पीने के लिए आपको वहाँ पे बुफे लगता है, बुफे में आपको सब कुछ रहता है, वैराइटीज रहती है, फ्रूट्स वगैरह, जूस वगैरह सब कुछ रहती है। आपको घूमने फिरने के लिए अलग से रिजॉर्ट में अलग से मतलब जो कि स्टाफ एरिया का पब्लिक एरिया घूमने का एरिया रहता है। और उसके अलावा आपको वहाँ पे जिम की फैसिलिटी रहती है, आप वहाँ पे जिम कर सकते हो फ्री में। तो ये सारी फैसिलिटी मतलब रिजॉर्ट में मिलती है। अगर आप रेस्टोरेंट में काम करते हो, तो वहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती वहाँ पे। मतलब सैलरी तो मिल जाती है, लेकिन सर्विस चार्ज इतना ज़्यादा नहीं आता वहाँ पे, $100 कहीं पे नहीं भी आता सर्विस चार्ज। और सैलरी वहाँ पे आपको $400 से $500 अगर आप अच्छी पोस्ट में रेस्टोरेंट में मैनेजर लेवल पे या फिर बड़ी एग्जीक्यूटिव शेफ लेवल पे, तो वहाँ पे आपको $600 से $700-800 तक वहाँ पे मिल जाते हैं। बात करें अगर घूमने फिरने की, तो मालदीव में आपको समंदर के अलावा कुछ देखने को मिलेगा नहीं। बड़े बड़े बिल्डिंग है वहाँ पे, जैसे कुछ देखने को है नहीं वहाँ पे। बस बीचेस जो आ गए, काफ़ी ब्यूटीफुल बीचेस हैं, नीला सा पानी वहाँ का समंदर का। और बाकी बात करें मौसम की, तो ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती, ज़्यादा ठंड भी नहीं होती। हाँ, गर्मी थोड़ी सी होती है, क्योंकि वहाँ पे कोई दूसरा वेदर होता नहीं गर्मी के अलावा। मतलब 30 डिग्री, 28 डिग्री मिनिमम, और 30-32 डिग्री वहाँ पर टेम्परेचर रहता है। उसके अलावा घूमने फिरने के लिए आपको बस वहाँ पे नीले नीले बीचेस मिलेंगे। और सिटी के नाम पे बस एक माले और हुलू माले सिटी है, जहाँ पे थोड़े से बिल्डिंग है, छोटे छोटे बिल्डिंग, तो वहीं पे आप घूम सकते हो। 1200 लगभग आइलैंड है वहाँ पे, जिनके अंदर छोटे छोटे गांव हैं, कहीं पे छोटे छोटे से सिटी है, और उसके अलावा सारे वहाँ पे लग्जरी जो है कि रिजॉर्ट बने हुए हैं। तो ये है मालदीव का, जहाँ पे आप जाके एक जॉब कर सकते हो और अच्छा खासा पैसा वहाँ पे कमा सकते हो। अगर आप बात करें अगर एजेंट लोग कितना पैसा लेते हैं, मतलब किसी का फिक्स नहीं होता है ऐसे, तो मतलब अलग अलग एजेंसी अलग अलग टाइप का उनका चार्जेस रहता है। और वो जो चार्जेस रहते हैं वो भी उनके जॉब कैटेगरी के हिसाब से लेते हैं वो लोग। और सैलरी आपकी कितनी ज़्यादा है, कितना आपको पैकेज मिलेगा, उसके हिसाब से भी वो लोग डिसाइड करते हैं कि कितना आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये है मालदीव के बारे में। उसके अलावा मालदीव अच्छी कंट्री है, मैंने काम किया वहाँ पे, काम करने के लिए अच्छे वहाँ पे काफ़ी सारे इंडियंस भी हैं और काफ़ी सारे नेपाल के लोग भी हैं जो कि वहाँ पे जॉब करते हैं। काफ़ी खुश है, मतलब फ्रीडम काफ़ी अच्छी वहाँ पे जॉब करने के लिए। होटल इंडस्ट्री के अलावा अगर आप किसी दूसरे फील्ड में हो, जैसे कंस्ट्रक्शन है, उसके अलावा अगर आप किसी शॉप में हो या फिर किसी डिलीवरी के काम में, तो वहाँ पे भी सही है। मतलब ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा कि आपको ज़्यादा कष्ट है वहाँ पे। ड्यूटी भी 9 से 10 घंटे होती है और वीकली ऑफ भी मिल जाता है वहाँ पे। कंस्ट्रक्शन या फिर दूसरी जॉब कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं।
तो वहाँ पे भी आपको जो है कि पेमेंट मिनिमम $400 से स्टार्ट हो जाता है और जो कि $500-600 तक वहाँ पे पहुँच जाता है, जो कि इंडिया के 40,000 से 50,000 तक बन जाते हैं आपको। लेकिन खाना पीना जो है कि आपको आपको मिलता ही है, वो कंपलसरी है। मालदीव की ये चीज़ एक अच्छी है, वहाँ पे आपको खाना पीना मिलेगा ही मिलेगा और रहना भी आपको आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। और अगर बात करें दुबई की, तो दुबई भी काफ़ी अच्छी कंट्री है, टूरिस्ट कंट्री है काफ़ी, मतलब बड़े बड़े जो 5-स्टार लग्जरी ब्रांड होटल हैं वहाँ पे, उसके अलावा बड़े बड़े वहाँ पे जो है कि चेन रेस्टोरेंट भी है वहाँ पे, मतलब बड़े बड़े ब्रांड के चेन रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप जॉब करोगे। तो मतलब वहाँ की एक्सपीरियंस की जो वैल्यू है वो मतलब पूरी वर्ल्ड में है। मतलब दुबई में अगर आप जॉब करते हो, अगर वहाँ आपने किसी 5-स्टार होटल में काम किया है या फिर किसी बड़ी लग्जरी रेस्टोरेंट में अगर आपने जॉब किया है, अगर वहाँ का आपको 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप किसी अनदर कंट्री जैसे यूरोपियन कंट्री और ऑस्ट्रेलियन कंट्री या फिर किसी भी मतलब कंट्री में अगर आप अप्लाई करते हो, तो वहाँ पे आपको इजीली जॉब मिलने के चांसेस हो जाते हैं। तो दुबई का एक ये बेनिफिट मुझको सही लगा कि मतलब वहाँ का जो वैल्यू है जॉब एक्सपीरियंस का, तो उसकी काफ़ी वैल्यू है। और अगर बात करें सैलरी की, तो मतलब मिनिमम वहाँ पे जो स्टार्टिंग सैलरी है, मिनिमम पे मतलब पोस्ट के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, जैसे अगर आप किचन में काम करते हो, अगर कौमी लेवल पे हो, उसके अलावा अगर आप सर्विस डिपार्टमेंट में स्टेवर्ड हो या फिर जूनियर स्टेवर्ड हो, तो मतलब उस डिपार्टमेंट की जो सैलरी स्टार्टिंग है वहाँ पे 1500 दिरहम से स्टार्ट हो जाती है, विदाउट सर्विस चार्ज और टिप के मैं बता रहा हूँ आपको। तो इतनी सैलरी वहाँ पे स्टार्टिंग में मिल जाती है, अगर आप टिप लगाए उसमें और सर्विस चार्ज भी इंक्लूड करें, तो वो मतलब आपको 2200 से 2500 दिरहम तक मिनिमम वहाँ पे आपको पेमेंट मिल जाती है। तो इंडिया के लगभग मतलब 40,000-50,000 से 60,000 तक बन जाते हैं वैसे स्टार्टिंग में, अगर आप चाहते हो कि दुबई में जॉब करने के लिए जाएं। और उसके अलावा वहाँ पे जो खाना पीना है, कहीं कहीं कंपनी जो है कि कोई कोई कंपनी को फूड मिलता है रेस्टोरेंट में ही बनता है अपने या फिर होटल में बनता है, लेकिन कोई कोई कंपनी क्या करती है दुबई में, वो पेमेंट करती है, पैसा देती है और आपको अपने अकोमोडेशन में रूम में कोई खाना खुद ही खाना होता है। तो ये एक सिस्टम है दुबई का। और उसके अलावा अकोमोडेशन कंपनी देती है, उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन का भी कंपनी देखती है आपको, रूम से अपने वर्क प्लेस तक वो लोग ड्रॉप करते हैं, पिकअप करते हैं। और बात करें सर्विस चार्ज और टिप्स की, तो वो भी वहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा आपको मिल जाता है। अगर आप किसी बड़े बड़े होटल में हो, लग्जरी होटल में 5-स्टार प्रॉपर्टी में, और उसके अलावा अगर रेस्टोरेंट है, ये नहीं कि मतलब छोटे छोटे और छोटे मोटे ढाबे वाले रेस्टोरेंट नहीं, जो अच्छे खासे वहाँ पे जो ब्रांडेड रेस्टोरेंट है वहाँ पे, जहाँ पे मतलब काफ़ी स्टैंडर्ड हाई होता है, हाई लेवल का स्टैंडर्ड वहाँ पे होता है, तो वो लग्जरी रेस्टोरेंट में काफ़ी अच्छा आपको सर्विस चार्ज और सैलरी पैकेज भी वहाँ पे काफ़ी अच्छा मिल जाता है। अगर आप बड़ी पोस्ट में, अगर आप सीनियर पोस्ट में मैनेजर हो या फिर अगर आप शेफ हो, एग्जीक्यूटिव शेफ हो, तो वहाँ पे आपको 3,000 से 4,000 दिरहम तक वहाँ पे आपको मिल जाता है, मतलब सर्विस चार्ज टोटल वगैरह लगा के ये कुछ आपका वहाँ पे सैलरी बन जाता है, अगर आप किसी बड़े 5-स्टार प्रॉपर्टी में हो। तो घूमने फिरने की बात करें, तो दुबई के बारे में सबको पता है कितना बड़ा वो जगह टूरिस्ट कंट्री है, तो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको मालदीव में देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो दुबई मतलब एक बेस्ट प्लेस है काम करने के लिए, वहाँ पे आप काम कर भी सकते हो और एंजॉय भी कर सकते हो, घूम भी सकते हो, मतलब आराम से आपके वहाँ की ज़िंदगी आराम से निकल सकती है। और बात करें कंस्ट्रक्शन की, तो मतलब दुबई में थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि वहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा है, और गर्मी में मतलब बिल्डिंगों के ऊपर काम करना ये थोड़ा सा एक मतलब टफ हो जाता है वहाँ पे, जो कि मालदीव में ऐसा नहीं है। मालदीव में जो है कि इतनी गर्मी नहीं होती, वहाँ पे जो है कि कंस्ट्रक्शन वाले लोगों के लिए काफ़ी थोड़ा सा अच्छा है। बाकी अगर आप दुबई जाना चाहते हो, तो दुबई मतलब आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि वहाँ का जो एक्सपीरियंस है उसकी काफ़ी अच्छी वैल्यू है। अगर आप किसी दूसरे कंट्री में ट्राई करना चाहते हो, तो दुबई एक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, अगर आप स्टार्टिंग में अगर आप जॉब के लिए बाहर कंट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो ये था दोस्तों दो कंट्रियों का कंपैरिजन, जिससे कि आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा मतलब किस कंट्री में जाना सही रहेगा आपके अकॉर्डिंग, मतलब आपके बजट के हिसाब से। वैसे तो दोनों ही कंट्री अच्छी है जॉब करने के लिए, अगर आप अच्छी प्रॉपर्टी में जॉब करते हो। उसके अलावा अगर आपकी चॉइस, अगर आपको ज़्यादा घूमना फिरना पसंद है, आपको मतलब अच्छा माहौल चाहिए घूमने फिरने के लिए जॉब के साथ, तो आप दुबई जा सकते हो आराम से। और उसके अलावा आपको चाहिए कि मतलब बस काम करना है भाई, आराम से सोए रहना है मुझको, तो आप मालदीव जा सकते हो। तो मालदीव एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, अगर आपको अच्छा पैसा कमाना है, मोटा पैसा कमाना है, तो आप मालदीव जा सकते हो रिजॉर्ट में। और उसके अलावा आप अगर आपको घूमना फिरना है, ऐश करना है, तो आप दुबई जा सकते हो आराम से। दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ।